दोस्तों खानजादी की उनके मकान वालों से लड़ाई थम ही नहीं रही है और बर्तन का माजरा इतना लंबा खिंच गया कि लाइव फीड में अभी तक इस बात पर चर्चा हो रही है, जहां पर खानजादी कहते हुए नजर आ रही है कि मैं इसका उसका नहीं करती हूं, जिनके भी बर्तन होते हैं धो देती हूं और अभी इतना सारा धोकर आई हूं। इसके बाद भी ये लोग मुझ पर चिल्लाते हैं, जिस पर नील पूछते हैं कि कौन चिल्ला रहा है, तो खानजादी कहती है कि आपने ही शुरू किया है। इस पर इनको जवाब देते हुए खानजादी को कहती है कि नील ने नहीं, आपने शुरुआत की है, आप बोलते हुए आई हो कि मैंने बर्तन धोए हैं और मैं नहीं जमाऊंगी, आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कुकिंग में आ जाइए। जिस पर खानजादी जवाब देती कि ये शुरू नहीं होता है, मैं फाइट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ। जिसके जवाब में नील कहते हैं कि पर मैं तो आपसे बात ही नहीं कर रहा हूँ। वहीं मोहल्ले के चौक में सभी लोग मौजूद होते हैं, अभिषेक, मुनव्वर, समर्थ, ईशा, और फिर मुनव्वर जो है वो खानजादी से कहते हैं कि तुम्हें बर्तन में इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो तुम कुकिंग में आ जाओ। जिसके बाद ऐश्वर्या कहती है कि हम कुकिंग करते हैं, उसके बावजूद हम लोग मल्टीपल टास्क करते हैं, ये कोई बात नहीं होती कि मैंने बर्तन धो दिए तो अब मैं बर्तन को उठा के नहीं रखूंगी। इसके बाद खानजादी मुनव्वर से कहती है कि मैंने अकेले इतने सारे बर्तन धोए और तुम्हें पता है बर्तन धोने में कितनी मेहनत लगती है, तो मैं क्यों उठा के रखूं। जिस पर मुनव्वर कहते हैं कि यहाँ पर सब लोग सॉर्ट आउट करने के लिए ही बैठे हैं, तभी तो तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम कुकिंग में आ जाओ। जिसके बाद ऐश्वर्या नील से कहती है कि देखो और भी लोग बर्तन धोते हैं और अपना बर्तन उठाकर जाते हैं। जिस पर खानजादी फिर से भड़क जाती है और ऐश्वर्या उनसे कहती है कि मैं तुमसे नहीं बोल रही हूँ तो तुम बीच में मत बोलो। जिस पर खानजादी रिप्लाई करती है कि अभी मैं लड़ाई के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं खुद को शांत कर रही हूँ और मैं लड़ना नहीं चाहती हूँ, तो मुझे मजबूर मत करो। जिस पर सब लोग कहते हैं कि अरे भाई सब सॉर्ट आउट ही कर रहे हैं, तो इस पर खानजादी नील से कहती कि आप उकसाते हो नील, हमेशा आप ही शुरुआत करते हो। और फिर यहाँ भी खानजादी थमती नहीं है और नील को कह देती है कि आप बदतमीज हो। जिस पर नील भी जवाब देते हैं कि आप में बहुत तमीज है, तो खानजादी कहती है कि हाँ मुझ में भी तमीज नहीं है लेकिन आप में भी नहीं है, और मैं बदतमीज हूँ और मेरे साथ साथ आप भी बदतमीज हो। जिस पर नील रिप्लाई करते हैं कि मुझे तुम्हारी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे इंटरेस्ट है, तो खानजादी जवाब देती है कि फिर कान में कॉटन डाल लो। तो नील कहते हैं कि मैं कान में कॉटन क्यों डालूं, आप अपने मुंह में कॉटन डाल लो। जिसके बाद खानजादी नील को बार बार आंटी नंबर वन कहते हुए चली जाती है और नील रिप्लाई में कहते हैं कि अरे दो खोखों की अभी जरूरत पड़ेगी रील के हड्डी के लिए। वेल, आपको क्या लगता है इन सब चीजों के बारे में हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए आज ही फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।